हेलो एवरीवन, इस कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे कि कैसे बॉडी वेट फोर्स ट्रांसमिट होता है ऑन द हिप जॉइंट। पूरा बॉडी वेट जैसे हेड का, आर्म्स का और ट्रंक का बाइलेटरल स्टांस में, दोनों फुट हम लोगों के क्लोज पैक पोजीशन में है, और बाइलेटरल स्टांस में कैसे जो है वेट ट्रांसमिट करता है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि फोर्स ऑफ ट्रांसमिशंस कैसे जाती हैं और कैसे कैसे बॉडी एक्ट करती है, कैसे लंबर स्पाइन एक्ट करती है, कैसे पेल्विस एक्ट करता है, ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे। इन बाइलेटरल स्टांस फोर्स ट्रांसमिशन हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन सजाइटल प्लेन एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे फोर्सेस जो है ट्रांसमिट हो रही है। सपोज फर्स्ट हम लोग क्या लेके चलते हैं, जैसे सजाइटल प्लेन में है तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, फर्स्ट पॉइंट इज लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्टीरियर टू हिप जॉइंट जाती है। फर्स्ट पॉइंट इज सजाइटल एनालिसिस में, तब हम लोग बाइलेटरली फोर्सेस देखते हैं तो लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिस पोस्टीरियर हिप जॉइंट। अभी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्टीरियरली जाती है तो इसी की कंपनसेटरी क्या हो जाता है, जो ये मोमेंट है एक्सटेंशन मोमेंट होती है। एक्सटेंशन मोमेंट कहाँ की होगी, बॉडी की। जो ये लंबर स्पाइन है उसके ऊपर क्या मोमेंट आ जाएगी, लंबर एक्सटेंशन। लंबर या जो हम लोगों का हिप जॉइंट है उसके ऊपर क्या मोमेंट आ जाती है, एक्सटेंशन मोमेंट आ जाती है। अभी इसी को कंपनसेट करने के लिए जो ये एक्स्ट्रा, जो जैसे हम लोग नॉर्मली खड़े हैं तो कोई इसमें एक्सटेंशन ऐसी मोमेंट दिखाई नहीं दे रही है। वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एंटीरियर स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, मसल्स का कोई रोल नहीं है, मसल्स इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जो इनएक्टिव मसल्स हैं वो कोई रोल नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्टिव स्ट्रक्चर रहेंगे वो कौन से रहेंगे, पैसिव कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर, वो इसको नॉर्मल पोजिशन में लाने को हेल्प करेंगे। तो इसके कंपनसेटरी क्या होगा, जो पैसिव कैप्सुलो लिगामेंट स्ट्रक्चर है, लिगामेंट स्ट्रक्चर विच आर फाइब्रस कैप्सूल जो प्रेजेंट है, साथ के साथ दो लिगामेंट प्रेजेंट है, इलियो फेमोरल लिगामेंट एंड सेकेंड वन इज प्यूबो फेमोरल लिगामेंट। ये इतने ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं कि जो ये एक्सटेंशन मोमेंट है इसको चेक करते हैं और नॉर्मल पोस्चर को करेक्ट करते हैं। नॉर्मली क्या रहता है, लाइन ऑफ ग्रेविटी पोस्टीरियर टू हिप जॉइंट जाती है, इसी करके तो बॉडी थोड़ी एक्सटेंशन में चला जाता है, बट नॉर्मली एक्सटेंशन दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि जो पैसिव स्ट्रक्चर्स है जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, जो पैसिव स्ट्रक्चर्स एंटीरियरली प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक बैलेंस पोजिशन में लाके खड़े कर देते हैं हम लोगों को। तो ये जो पैसिव कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरा का पूरा क्या प्रोवाइड करते हैं, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं। साइमल्टेनियसली फाइब्रस स्ट्रक्चर्स जो है एक्टिव हो जाएंगे। इसी को हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे वेट फोर्स ट्रांसमिशन होगा और कैसे कैसे एक्टिविटीज होंगी। सजाइटल प्लेन एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे कैसे ये मूवमेंट्स परसीड कर सकती हैं वो सब कुछ देखेंगे। दिस इज अवर हिप जॉइंट, हिप और ये पूरा का पूरा हिप जॉइंट की बात करेंगे सैक्रोइलाइक के साथ। दिस इज सैक्रम एसआई जॉइंट और यहाँ पे जो है ऑब्जुरेटर फोरामेन है दिस वन, और यहीं पे जो है हिप जॉइंट है। दो जॉइंट्स प्रेजेंट है यहाँ पे, एसआई जॉइंट, दिस इज एसआई जॉइंट, सैक्रोइलाइक जॉइंट एंड दिस इज हिप जॉइंट। ये स्ट्रक्चर हम लोगों का प्रेजेंट है दिस वन, दिस इज पेल्विस, दोनों पेल्विस बोन मिलके और जो फीमर मिलके हिप जॉइंट फॉर्म कर रही है, और पीछे जो सैक्रोइलाइक जॉइंट है ये पेल्विस बोन के साथ इंटरेक्ट करता है। अभी वेट कैसे ट्रांसमिट होगा, जो हेड का है, आर्म का है, ट्रंक का, जो अपर बॉडी वेट है उसका 2/3 बॉडी वेट आता है हम लोगों के हिप जॉइंट पे। अभी वो दोनों का दोनों इक्वली ट्रांसमिट कर जाता है, हाफ इस पे राइट पे और हाफ जो है लेफ्ट पे। अभी दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जैसे फुल बॉडी वेट आ रहा है वो हिप जॉइंट पे जाता है,
लेकिन जो सैक्रोइलाइक जॉइंट है वो उसको ट्रांसमिट करने का काम करती है, और जितना 2/3 ऑफ बॉडी वेट आता है वो उसको हाफ हाफ दोनों साइड ट्रांसमिट कर देती है। वो कैसे होता है वो चीज चेक करेंगे। फर्स्ट जैसे बॉडी वेट आ रहा है थ्रू सैक्रोइलाइक जॉइंट, पीछे से जितना भी बॉडी वेट आएगा सैक्रोइलाइक जॉइंट से आ रहा है। 2/3 ऑफ बॉडी वेट बॉडी वेट का कितना वेट आ रहा है 2/3, और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं हेड से। हेड आर्म और ट्रंक का कितना वेट आ रहा है 2/3 ऑफ बॉडी वेट यहाँ पे आ रहा है। अभी जो ये वेट आ रहा है ये इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाएगा दोनों हिप जॉइंट पे, एक जो है लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ये हाफ ऑफ हेड टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, और हाफ ऑफ हेड किधर जा रहा है राइट की तरफ, और कुछ जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सिंपली जैसे ही वेट आया एसआई जॉइंट से ट्रांसमिट करके उसने दोनों का हाफ हाफ वेट दे दिया, एक राइट हाफ राइट के पास हाफ लेफ्ट के पास वेट चला गया। अभी जो ये है हाफ यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है दिस। अभी जो भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी रहेगा यहाँ से यहाँ तक ये क्या फॉर्म कर लेता है मोमेंटम आर्म, दिस इज मोमेंटम आर्म, और साइमल्टेनियसली राइट के लिए दिस इज मोमेंटम आर्म, ये इसका क्या रहता है मोमेंटम आर्म, एंड दिस इज वेट जो ये एक बिल्कुल सेंटर से आ रहा है ये हम लोगों का वेट है। जैसे ही वेट दोनों साइड में ट्रांसमिट कर गया अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट मीन्स दिस इज वेट आर्म मोमेंटम आर्म, अभी ये क्या है मोमेंटम आर्म है। अभी हम लोगों को क्या फाइंड करना है टोर्क फाइंड आउट करना है। तो टोर्क क्या रहता है टोर्क इज फोर्स इनटू मोमेंटम, टोर्क रहता है फोर्स इनटू मोमेंटम। अभी हम लोगों के पास फोर्स क्या है वेट है तो वेट रहेगा इनटू में मोमेंट आर्म रहेगा। तो अभी हम लोगों को पता है अगर हम लोग लेफ्ट साइड का अगर वेट कैलकुलेशन करते हैं लेफ्ट साइड ऑफ जो हिप वेट ट्रांसमिशन है अगर उसको देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा वेट जो है वेट कितना है हाफ ऑफ हेड एंड जो मूवमेंट आर्म है वो कितना है मूवमेंट आर्म ऑफ राइट या वेट यहाँ पे लिख सकते हैं वेट ऑफ लेफ्ट एंड मूवमेंट आर्म ऑफ लेफ्ट, ये चीज रहेगी। सिमिलरली अगर हम लोग राइट का लिख रहे हैं तो हाफ ऑफ हेड जो हाफ ऑफ बॉडी वेट आ रहा है दैट इज वेट आर इनटू में मोमेंट आर्म ऑफ राइट, ये जो फोर्स टोक का फॉर्मूला है ये अप्लाई करेंगे। इससे पता चलेगा कि कितना कैलकुलेशन होगा कितना फोर्स इधर ट्रांसमिट हो रहा है कितना इधर, हो तो रहा है इक्वल बट कितना ट्रांसमिट हो रहा है पूरे बॉडी वेट का कितना हिप जॉइंट पे कंप्रेशन जो ये फोर्सेस हैं ये लग रहे हैं, ये हम लोगों को टोक फाइंड आउट करना है। टोक इज वेरी सिंपल, वेट का हमें पता है कि हाफ ऑफ वेट इधर जा रहा है, जो भी टोटल वेट यहाँ पे आ रहा है उसका हाफ ऑफ वेट इधर लेंगे, और मोमेंट आर्म जो ये मोमेंट आर्म लग रहे हैं ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, है पैरेलल लाइन में बट दोनों के दोनों मोमेंट आर्म अपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस पे ज्यादा जा रहा है इस पे ज्यादा जा रहा है, इसलिए ये नेग्लिजिबल रहता है, टोक जो है इक्विलिब्रियम में आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स ट्रांसमिशन। स्टार्टिंग से करते हैं, देखो क्या है फुल बॉडी वेट आ रहा है, बॉडी वेट का जो 2/3 बॉडी वेट है वो सैक्रोइलाइक जॉइंट से आ रहा है, सैक्रोइलाइक जॉइंट पे आके जो फोर्स है वो ट्रांसमिट हो रहा है हिप जॉइंट पे। सेंट्रली बॉडी का वेट आया था वो कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है राइट एंड लेफ्ट पे, तो राइट एंड लेफ्ट पे ट्रांसमिट होगा तो राइट ऑफ जो हेड का बॉडी वेट है वो लेफ्ट पे आ जाएगा, और जो हाफ ऑफ हेड का वेट है वो राइट पे आ जाएगा। जब ये ऐसा होता है फोर्स ट्रांसमिशन होता है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनता है राइट हिप जॉइंट एंड लेफ्ट हिप जॉइंट तो ये मोमेंट आर्म होता है, दिस वन इज मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म तो है बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहाँ पे टोक फॉर्म होगा, टोक फॉर्म होता है तो जो फोर्स है इनटू में मोमेंट आर्म, लेकिन हमने देखा कि ये इक्वल है दोनों के दोनों मोमेंट आर्म दोनों ही इक्वल है तो ये अपने अफेक्ट्स को नेग्लिजिबल कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये टोक रहता है। टोक में क्या है डब्ल्यू एल वेट ऑफ लेफ्ट वन एंड इनटू में मोमेंट आर्म ऑफ लेफ्ट वन, वेट ऑफ राइट वन इनटू मोमेंट आर्म ऑफ राइट वन। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ट्रांसमिशन इन बायलेटरल स्टांस। बायलेटरल स्टांस में कैसे कैसे फोर्स, वेरी सिंपल, 2/3 बॉडी वेट,
हाफ हाफ इधर जा रहे हैं, यहाँ पे एक मोमेंट आर्म क्रिएट हो जाता है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर यहाँ से टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, जितना वेट आ रहा है उसे सो मल्टीप्लाई कर देंगे मोमेंट आर्म से, जितना इधर आया है और जितना इधर आया वैसे इक्वल है, एक का निकालेंगे तो साइमल्टेनियसली सेकंड का पता चल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स ट्रांसमिशन। ये था फोर्स ट्रांसमिशन का सर। सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस ही हिप जॉइंट पे लगती हैं और कोई फोर्सेस नहीं आते हैं। बॉडी के ऊपर से जो फोर्सेस आ रही हैं तो सिर्फ कंप्रेसिव फोर्सेस ही लगेंगी, कंप्रेसिव फोर्सेस ही लगेंगी। अभी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। क्या था फर्स्ट, नॉर्मली हमने बात किया सिजाइटल एनालिसिस कर रहे थे बाइलेटरल स्टांस में, उसमें हम चेक कर रहे थे क्या फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन लग रहा है, क्या क्या इसकी कैलकुलेशन है। हमने स्टार्ट किया था सिजाइटल एनालिसिस, सिजाइटल एनालिसिस हम लोगों ने देखा कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी आ रही है वो कहाँ से जा रही है, पोस्टीरियर टू हिप जॉइंट, पोस्टीरियर टू हिप जॉइंट, पोस्टीरियरली जा रही है हिप जॉइंट के। इसी की कंपनसेशन में जो पोस्टीरियर जा रही है तो यहाँ पे क्या मूवमेंट हो जाता है, एक्सटेंशन मूवमेंट, एक्सटेंशन मूवमेंट आता है। बट इसको बैलेंस कौन करता है, जो ये एक्सटेंशन मूवमेंट है इट इज ये विजिबल तो नहीं होती है, इसको कंपनसेट कौन करता है, पैसिव कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर, पैसिव कैप्सुलो लिगामेंटस स्ट्रक्चर दैट इज फाइब्रस कैप्सूल, इलियोफेम्रल लिगामेंट एंड पुबोफेम्रल लिगामेंट। ये जो एक्टिव एंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं, एंटीरियर जो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है यहाँ पे वो इसको हेल्प करते हैं और बैलेंस करते हैं और हम लोगों का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। दिस सर ये रहेगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, जितने भी फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन लग रही हैं सारी की सारी कंप्रेसिव फोर्सेस लग रही हैं। दिस इज ऑल अबाउट फोर्स ट्रांसमिशन इन बाइलेटरल स्टांस, कैसे कैसे फोर्स ट्रांसमिट होता है। एसआई जॉइंट से आया, दोनों हिप्स के ऊपर इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसका हमने कैलकुलेट किया कैसे कैसे टोक निकालते हैं, मोमेंट आर्म था, वेट था हम लोगों के पास, हमने निकाल लिया उसका। इट्स वेरी इजी, इसमें यही चीज रहता है, ये इसका जरूर सिजाइटल एनालिसिस करें हैं वेट ट्रांसमिशन का, तो पोस्टीरियरली हिप जॉइंट पे जाएगा, उसके रिस्पॉन्ड में ये स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट, यही सब कुछ था इसमें।